हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आज मैं एक ऐसा सवाल डिस्कस करने वाली हूँ जो मेरे पास बहुत यंग 14 इयर्स गर्ल ने पूछा कि ये जो हो रहा है ये गॉड क्रिएटेड है या हम रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके सवाल से मुझे याद आया कि जब मैं छोटी थी तो मेरे मन में ये बहुत सवाल आता था कि सब बोलते थे कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो मैं सोचती थी उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो मैं कैसे हिलूँगी। मतलब उसका मन करेगा तो मैं इंजीनियरिंग पढ़ूंगी, उसका मन करेगा तो मैं मेडिकल पढ़ूंगी, उसका मन करेगा तो मैं अनपढ़ रह जाऊँगी। तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो मैं कौन, राइट? तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी कि मैं कुछ हूँ, मेरी कोई मर्जी है, या आई एम जस्ट अ पपेट इन हैंड ऑफ गॉड, वट वट इट इज़ कॉल्ड, राइट? पर ऐसे इसी थॉट के साथ, इसी कन्फ्यूजन के साथ मैं बड़ी हो गई और मेरे को आंसर मिला इसका जब मैंने एक फिलॉसफी ज्वाइन की। उसमें एक कॉन्सेप्ट था नाइन कॉन्शियसनेस। उसमें ये बताया गया कि फाइव सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, जिसे हम सुनते हैं, बोलते हैं, टेस्ट करते हैं, देखते हैं, वो सारे सेंस ऑर्गन्स फाइव, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उन ऑर्गन्स के थ्रू इन सिक्स कॉन्शियसनेस। अब इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट हो गई पर उसका मतलब क्या है, परसीव हम कैसे कर रहे हैं? जैसे मैं आपको दो एग्जांपल्स बताऊंगी कि हम तीन लोग बैठे हैं और एक विंडो है हमारे सामने और उस विंडो के आगे से एक आदमी भाग के गया और हम तीनों ने देखा, हमारे सेंस ऑर्गन्स ने ऑब्जर्व किया कि वो आदमी 40 साल का दिखता था, उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी, उसने ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, उसके गॉगल्स लगी हुई थी, वो भाग के जा रहा था। ये हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया सिक्स कॉन्शियसनेस में। अब परसेप्शन अलग है, एक बोल रहा है यार चोर तो नहीं, चलो पुलिस को बुलाएं, दूसरा कह रहा है छोड़ यार हम बात कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, छोड़, तीसरा कह रहा है मे बी ही नीडेड हेल्प एंड दैट पर्सन गोज आउटसाइड एंड सेज भाई साहब कैन आई हेल्प यू। अब आप देखिए तीनों ने अलग अलग क्यों परसीव किया, एक्शन तो एक ही था, कोई जा रहा था, सबने एक ही चीज़ देखी, लेकिन सोच सब अलग रहे हैं। ये क्यों ऐसा सोच रहे हैं? बिकॉज एट्थ कॉन्शियसनेस जो हमारी होती है वो हमारे पुराने संस्कार, पिछले जन्म, इस जन्म में हमने क्या, किस माहौल में बड़े हुए, पेरेंट्स, एजुकेशन, फ्रेंड्स, इन सब से हमारे एक संस्कार बनते हैं जिसको लेके हमारा थॉट प्रोसेस होता है और हम हर चीज़ उसी के हिसाब से देखते हैं। जैसे कुछ लोग हैं बहुत गुस्सा करते हैं, वो जितना भी चाहे फिर करते हैं क्योंकि उनके संस्कार बन चुका है वो। तो एट कॉन्शियसनेस हमें बार बार कंट्रोल करती है, उसकी वजह से जो सेवन्थ कॉन्शियसनेस में हम अलग अलग देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं, कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, और फिर वो एक्शन भी वैसे ले रहा है। एक पुलिस को बुला रहा है, उसने इशू क्रिएट कर दिया, दूसरा ने कुछ भी नहीं किया, तीसरा हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके कर्मा फिर उसी हिसाब से आगे बनते जा रहे हैं। ये तो इसको तो हम कहते हैं भगवान की मर्जी, उसकी मर्जी थी तो उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसकी मर्जी थी तो मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने ऐसा किया, हम उसको उस पर डाल देते हैं। एक्चुअली वो ऐसा नहीं है, वो हमारे ही संस्कारों से हम बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब तो हम कठपुतली हो गए अपने संस्कारों की, नहीं। भगवान ने हमें एक नाइन्थ कॉन्शियसनेस दी है विच इज़ फ्री कॉन्शियसनेस, जिसमें हम अच्छे कर्म करके, अच्छी बुक्स पढ़ के, प्रेयर करके, अच्छे लोगों के साथ लर्न करके, हम स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से, हम उसको हायर लेवल पे लेके जा सकते हैं नाइन्थ कॉन्शियसनेस को। और जैसे जैसे नाइन्थ कॉन्शियसनेस को हम हायर लेके जाते हैं, एट कॉन्शियसनेस को हम कह सकते हैं यू शट अप, नो आई डोंट वॉन्ट टू बी गवर्न्ड बाय यू, जो तुम सोच रहे हो, जो जैसा तुम हमेशा मुझे सिखाते हो, दिखाते हो, मुझे वो नहीं देखना है, मुझे एक बहुत क्लियर चश्मे से देखना है, मुझे लाल चश्मा पहन के सब कुछ लाल नहीं देखना है, ब्लू चश्मा पहन के, एट कॉन्शियसनेस इज दैट लाल चश्मा, ब्लू चश्मा, बट मुझे क्लियर चश्मे से देखना है। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें सब अच्छा दिखेगा, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, राइट? सो अब एक ही एक्शन होता है लेकिन उसमें हम, जैसे दूसरा एग्जांपल ये है कि कोई पेड़ से कुछ तोड़ रहा है, कोई बच्चा, ये कहेगा ये शरारती है, दूसरा कहेगा भूखा है, तीसरा कहेगा ये ना इसके पड़ोसी ने भेजा कि एप्पल तोड़ के लाए, इसके ख़राब कर दे ऑर्चर्ड। इस तरह से हम अलग अलग चीज़ें सोचते हैं, देखते हैं, तो हमें नाइन्थ कॉन्शियसनेस को स्ट्रेंथन करना है।